हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ ओट्स के चिल्ला। ये वेट लॉस के लिए बहुत ही अच्छा एक रेसिपी है। आपको पता है कि ओट्स पूरा मतलब फुल ऑफ फाइबर होता है इसपे, तो आज मैं उसके साथ वेजिटेबल मिक्स करके चिल्ला बनाऊंगी, जो बहुत हेल्दी भी है और ये वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा एक ब्रेकफास्ट है। तो पहले मैं 1 कप और ये 2/3 कप मैंने ओट्स लिया है। मैंने ये व्हाइट ओट्स ही यूज किया है। आप चाहिए तो आप वो ब्राउन वाला जो वीट का आता है वो ओट्स भी यूज कर सकते हैं, ये बहुत ही फाइन है। उस पे मैं ऐड करूंगी मैंने ये ग्रेट कर लिया है, ग्रेटेड कैरेट, एक ही कैरेट मैंने यूज किया है। फिर ये भी बहुत फाइनली मैंने चॉप करके रखा है, ये है कैप्सिकम। ये थोड़ा हेल्दी बनाने के लिए मैंने इसपे आपको जो भी वेजिटेबल्स मन आए आप वो ऐड कर सकते हो। फिर मैं इस पे ऐड कर रही हूँ टमाटो, ये भी बहुत फाइनली मैंने चॉप किया है। मैंने ये सब इतने फाइनली चॉप किया है कि जब मैं इसका चिल्ला बनाऊंगी तो ये मुंह पे ज्यादा ऐसे कच्चापन फील ना हो, इसीलिए। उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ ऑनियन, ये भी मैंने बहुत ही बारीकी से फाइनली चॉप करके रखा है, इसको ऐड कर रही हूँ। फिर मैं ऐड कर रही हूँ इसपे कोरिएंडर लीफ, ये भी मैंने बारीकी से, इसको आप कैसे भी चॉप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको चॉप करने में। फिर मैं ऐड कर रही हूँ इसपे जीरा पाउडर, ये मैं बस इतना ही 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ जीरा पाउडर। ग्रेटेड जिंजर, ये भी मैंने फाइनली चॉप करके रखा है, उसके साथ ऐड कर रही हूँ मैं 2 टेबलस्पून बेसन ग्राम फ्लोर और 2 टेबलस्पून सूजी रावा, ये मैंने फाइन वाला रावा यूज किया है। और मैं इसपे ऐड कर रही हूँ चाट मसाला, आप चाहे तो आमचूर मसाला भी यूज कर सकते हो, मेरे पास आमचूर नहीं है तो मैं इसलिए चाट मसाला ऐड कर रही हूँ। ये आप 1 से 2 टीस्पून ये आपके स्वाद के अनुसार, मुझे थोड़ा ज्यादा पसंद है तो मैं थोड़ा ज्यादा यूज कर रही हूँ। अभी मैं इसको पानी से सबको एक साथ मिक्स करूंगी, बहुत स्लोली मैं इसको, मतलब पानी एक साथ ज्यादा मत डालिए, थोड़ा थोड़ा करके डालिए और आपको इसको ऐसे करके मिक्स करना है। मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। मैंने अभी इस पे ऐड कर रही हूँ सॉल्ट, सॉल्ट आप आपके स्वाद के अनुसार यूज कीजिए। मैं अभी यहाँ पे 1.5 टीस्पून मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ करके, अभी मैं इसको मिक्स करके 10 मिनट्स मैं इसको ढक के रख दूंगी, उसके बाद ही, क्योंकि थोड़ा सा इसको मतलब सेट होने देना है। आप चाहे तो इसपे पानी के जगह पे कर्ड भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा मतलब पानी कम ऐड करके कर्ड भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा खट्टापन चाहिए तो। अभी मैं इसको ढक के 10 मिनट्स रख दूंगी। 10 मिनट हो चुका है, ये थोड़ा सा फुल भी उठा है ओट्स और सूजी रावा अभी, अगर देखिए और पतला भी है क्योंकि मैंने पहले ही थोड़ा सा पानी ज्यादा यूज की थी। अगर आपको लगता है कि नहीं फिर भी ये बहुत गाढ़ा हो रहा है तो आप इस पे थोड़ा सा पानी यूज कर सकते हो, मुझे नहीं लग, मैं थोड़ा सा पानी यूज कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है तो इसीलिए। और एक चीज मैं आपको इधर बता दूं कि चिली आप आपके हिसाब से यूज कर सकते हो, मैं चिली नहीं खाती और मैं ये मेरे बेटे के लिए भी बना रही हूँ तो इसीलिए मैं इस पे चिली नहीं ऐड कर रही हूँ। तब ये फुल उठा, ये हो गया है रेडी, अभी हम इसका चिल्ला बनाएंगे। तावा मैंने बिठा दिया है ऑलरेडी, ये गरम हो गया है। मैं इस पे भी ऑयल ऐड कर रही हूँ, आप चाहे तो ये घी या बटर से भी आप बना सकते हैं, घी या बटर से। मैं इसको थोड़ा सा, पहले मैं थोड़ा सा ज्यादा ही लगा रही हूँ ऑयल। अभी मैं इस पे डाल दूंगी ये बैटर। मैं छोटा सा बैटर बनाऊंगी क्योंकि तो फिर मुझे इसको निकालने में इजी होगा, मैं ज्यादा बड़ा बनाऊंगी तो ये फट जाने का चांसेस रहता है। तो ऐसे करके डाल के आप इसको थोड़ा सा हल्के से आप इस तरह से स्प्रेड कर सकते हैं, फिर आप इसको मीडियम फ्लेम में ही पकाए, आप ढक के भी इसको पका सकते हो। मैं इसको ऊपर में थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ, अभी मैं इसको पलट दूंगी। ये देखिए मैंने छोटा बनाया इसलिए देखिए आराम से ये निकल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। अगर मैं खुद ज्यादा बड़ा बनाती तो ये फटने का चांसेस रहता है, तो ऐसे करके आपको दोनों साइड अच्छे से सेक लेना है।
ये देखिए ये साइड भी ऑलमोस्ट हो गया है ये, और इसको ज्यादा पकाना नहीं है, ये डन हो गया है, ये हो गया है। अभी मैं इसको निकाल देती हूँ। ओट्स चिल्ला रेडी हो गया है। ये आप कर्ड या सॉस या कोई भी आप ग्रेवी बनाते हो तो आप उसके साथ ये खा सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा ये हेल्दी वाला रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिए, एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो फिर क्या होगा, मैं जो भी आपको जो भी मैं वीडियोज अपलोड करूंगी वो आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा। थैंक यू सो मच।